रुवा देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार बिहार की राजनीति में अब गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी है। दही चूड़ा एक ऐसा त्यौहार है जिसके बाद से राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ जाती हैं और इसके साथ ही राजनीति भी शुरू होती है। दही चूड़ा भोज के साथ राजनीतिक शुरुआत मानी जाती है कि अब हो चुकी है। वैसे भी बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर के सभी दल अपना अपना सिक्का चलाने के फेर में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। ऐसी ही बातें एक बार फिर से सुशील कुमार मोदी, जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने शुरू कर दी है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं और नीतीश कुमार के लिए वो बहुत त्याग भी करते आए हैं, इसका फ़ायदा भी उन्हें मिला है। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी तो सुशील मोदी को सबसे ज़्यादा झटका लगा था, क्योंकि उनका पद लालू प्रसाद के सुपुत्र तेजस्वी यादव को मिल गई थी और देने वाले उन्हीं के मित्र नीतीश कुमार थे। ये पच नहीं पाया और 2017 में 2 साल के अंदर ही तख्ता पलट करने वालों में सबसे अहम भूमिका अगर किसी की थी तो वो थे सुशील मोदी। दोबारा वो डिप्टी सीएम बन गए, एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हालांकि आपने ये भी देखा होगा और भारत लाइव लगातार आपको खबरों के माध्यम से बताता रहा है कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार के संबंध बड़ी ही प्रगाढ़ हैं। सबसे करीबी अगर कोई नीतीश कुमार के है बिहार और देश की राजनीति में तो वो सुशील मोदी हैं। दोनों एक दूसरे पर भरोसा भी खूब करते हैं। एक बार फिर से सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। मोदी ने कहा कि जब वह सीएम को लेकर घटिया शब्द धोखेबाज तक का प्रयोग कर सकते हैं तो चारा घोटाला करने वाले अपने पिता लालू प्रसाद के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे ये भी बता दें। आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार का भले ही चाहे जितना भी भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता विरोध करें, जदयू के तरफ से भले ही नीतीश कुमार को लेकर के बहुत ज़्यादा स्टैंड नहीं लिया जा रहा हो, थोड़ा रुक करके बयान आ रहे हों, पर हर बयान का जो विरोधियों की तरफ से आता है, खास करके राजद और लालू परिवार की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से आता है, उसका जवाब देने के लिए सुशील मोदी हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से लिखा है कि राजद के युवराज संविधान बचाओ यात्रा की नौटंकी करते हैं, जबकि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए धोखेबाज जैसे घटिया शब्द का प्रयोग करते हैं। वे बताएं कि जिस मुख्यमंत्री के समय चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, बीएड डिग्री घोटाला हुआ, उसके बारे में कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? क्या घोटाले और भ्रष्टाचार से बिहार को खोखला बनाना राजद की विचारधारा का हिस्सा है? इसके साथ ही उन्होंने और भी कई बातें कही। हालांकि आपको बता दें कि एक कंट्राडिक्शन भी इसमें बीच में आ गया है कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगा, वहीं सुशील मोदी ने दावे के साथ कहा है कि एनआरसी पर मोदी ने जबरदस्त ढंग से ट्वीट करते हुए लिखा है कि 10 जनवरी 2020 से लागू नागरिकता कानून को लेकर एनडीए एकजुट है। नागरिकता और जनगणना के मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भ्रम दूर कर दिया है। इसके बावजूद जिनकी राजनीति किसी समुदाय को डराने और बांटने पर टिकी है, वे रस्सी को सांप ही बताएंगे। लगातार अब चुनावी वर्ष में दोनों तरफ से तीर और तलवारें निकल गई हैं, वहीं कमल का फूल भी अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगा हुआ है। एक तरफ जहां कहा यह जा रहा है कि लालटेन को बुझा दिया जाएगा, पूरी तरह से अस्त हो जाएगा, वहीं तीर को नुकीला बनाने का भी प्रयास चल रहा है। इन सब के बीच 2020 के चुनाव को लेकर के हर तरफ से रस्साकस्सी जारी है। देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से सुशील मोदी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर के और आरजेडी तेजस्वी यादव पर हमला किया है, वो कितना दोस्ताना कायम रख पाते हैं। मोदी ने विरोध के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले पर भी निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से लिखा है कि जो कानून पड़ोसी देशों से आए पीड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए बना, उसे देश के किसी व्यक्ति, समुदाय या धर्म के खिलाफ साबित करना 2020 के दशक का सबसे बड़ा झूठ है। इतना ही नहीं,
सीधे तौर पे सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव को टारगेट करते हुए उन पर कई तरह के हमले किए हैं। आपको पता है कि जिस लड़ाई के दोनों पात्र हैं वो दोनों एक ही पद पर रह चुके हैं। एक तरफ जहां सुशील मोदी वर्तमान में भी उप मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री बनने से पहले भी उप मुख्यमंत्री थे, इन सब को लेकर के कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का भय हमेशा सताते रहता है कि उनका पद न चला जाए, और इसके लिए वो पूरी मुस्तैदी के साथ और भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सत्ता में बनाए रखने के लिए पुरजोर प्रयास करते हैं। उसी प्रयास का एक हिस्सा है और कहा जा सकता है कि वो पार्टी लाइन से हट करके भी नीतीश कुमार के साथ जुड़े रहते हैं। हालांकि इस बार तो खुद पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह भी इस बात को लेकर के बयान दे चुके हैं कि नीतीश कुमार ही 2020 में एनडीए के कप्तान होंगे, पर ये कितना सफल हो पाता है और कितना कारगर ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अभी भी नीतीश कुमार के तरफ आने वाले हर हमले का जवाब सुशील मोदी अपने ही तरीके से देते हैं, और उनके रहते कोई नीतीश कुमार का बाल बांका नहीं करेगा ये भी दर्शाते रहते हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2019। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।